Hello students, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit. कैसे आप सब? आइए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए. ओम जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आ जाइए जल्दी से. कम फास्ट गाइस, जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. हेलो, आ जाइए गाइस, जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को. जो लोग आ चुके हैं शेयर करना स्टार्ट कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए. आज हम पढ़ने वाले हैं बजट, यूनियन बजट. तो जल्दी से शेयर करते जाओ और जुड़ते जाओ फटाफट, देन हम स्टार्ट करते हैं. आ रही है, जल्दी से आ रही है सब लोग. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था. अगर मैं बजट सेरेमनी की बात करूं, बजट सेरेमनी में हमने पढ़ा था लास्ट क्या, इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपका कोई डाउट है तो पूछिए. इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इकोनॉमिक सर्वे. देन हम बजट की तरफ प्रोसीड करते हैं. इकोनॉमिक सर्वे, बताइए जल्दी से, एनी डाउट? सरोज जी कह रही है सर जनरल अवेयरनेस भी करवाओ. सरोज जी, जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक अलग से कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, जो कि जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 10th फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आज दिसंबर के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करवाए हैं और उसको लेकर डेली एक क्लास होती है 12 बजे. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हो. वहां पे 999 इसका कॉस्ट है, 999. जल्दी से जल्दी उसको परचेज कर लीजिए और फायदा उठाइए उसका. मेघा जी हेलो, हाय. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे हमारे साथ. देखिए, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था लास्ट हमने, और आज हम पढ़ने वाले हैं बजट. तो बजट को स्टार्ट करते हैं. बजट में हम क्या पढ़ेंगे? बजट का सब कुछ पढ़ेंगे, बजट की हिस्ट्री से लेकर बजट ऑफ 2021 तक. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान के कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, बताइए जल्दी से. क्या वो आर्टिकल 102 है? क्या वो आर्टिकल 112 है? क्या वो आर्टिकल 122 है? क्या वो आर्टिकल 202 है? क्या वो आर्टिकल 212 है? बताइए जल्दी से, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बताइए जल्दी से. आंसर द क्वेश्चन फास्ट, आंसर कीजिए जल्दी से, सब लोग आंसर करते जाइए. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक रिसिप्ट स्टेटमेंट, कि सरकार आने वाले फिस्कल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितनी सरकार को इनकम हो सकती है एस्टिमेटेड, और सरकार कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने वाली है. ठीक है, इसको बेसिकली हम बजट ही बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको बजट बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास. सब लोग बोल रहे हैं 112. जी हाँ, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 112 ही है. हमारे संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 112 आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? बजट. कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार को कितनी इनकम हो सकती है, उसका एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेटेड सरकार कितना खर्चा करने वाली है, एस्टिमेशन उसी का, एक्सपेंडिचर. इसको हम क्या बोलते हैं? बजट. तो बजट कहां पे हमारे पास? आर्टिकल 112 में. बट यहां पर एक बात अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की करूं, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्टिकल बजट को डिफाइन करता है वो करता है 202.
स्टेट बजट के लिए क्या होता है आर्टिकल 202, सेंट्रल बजट के लिए क्या है 112। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following has presented the first budget of Republic of India? Republic of India का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? Republic of India का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। Republic of India का पहला बजट, बताइए जल्दी से, Republic of India का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया? क्या वो जेम्स विल्सन थे? क्या वो आर के शनमुखम शेट्टी थे? क्या वो जॉन मथाई थे? विलियम एक्वर थे या फिर सीडी देशमुख थे? बताइए। तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास। मनीष जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड मनीष। दीपांशु जी कह रहे हैं जॉन, पीयूष जी कह रहे हैं बी, मेघा जी भी कह रही हैं बी। तो आंसर आने हमारे पास शुरू हो चुके हैं। सब लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए यहां पर आप लोग कुछ यहां पर कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास। तो कुछ लोग कह रहे हैं आर के शनमुखम शेट्टी, कुछ लोग कह रहे हैं जॉन मथाई, कुछ लोग कह रहे हैं सी डी देशमुख। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जॉन मथाई। जॉन मथाई इज द राइट आंसर। इंडिया का जो पहला बजट था, इंडिया का जो पहला बजट था वो आया था 1860 में। 1860 में जो बजट आया था वो बजट प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने, एक ब्रिटिशर। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, आर के शनमुखम शेट्टी बने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, आर के शनमुखम शेट्टी। तो इन्होंने 26 नवंबर 1947 को एक बजट प्रेजेंट किया, दैट वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब बात आई रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पहला बजट था वो प्रेजेंट किया था जॉन मथई जी ने। जॉन मथई जी ने पहला बजट प्रेजेंट किया था 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950। परफेक्टली जी कह रहे हैं ऑल्सो प्रेजेंटेड फर्स्ट रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हाँ परफेक्टली जी, ये जो जॉन मथाई है ये इंडिया के पहले रेल मंत्री भी थे, रेल मंत्री भी थे। तो रेलवे की बात हम करेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हैव प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। इनमें से कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया हुआ है? क्या वो अरुण जेटली साहब हैं? क्या वो यशवंत सिन्हा जी हैं? क्या वो मोरारजी देसाई जी हैं? क्या वो चिदंबरम साहब हैं? या फिर वो प्रणब मुखर्जी हैं? बताइए जल्दी से, इनमें से किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा टाइम बजट प्रेजेंट किया हुआ है, नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट। चलिए मनीष जी ने सबसे पहले आंसर किया, तो आंसर आने हमारे पास शुरू हो गए हैं। मनीष जी कह रहे हैं मोरारजी देसाई, नीलेश जी भी कह रहे हैं देसाई, भारत रेड्डी मोरारजी देसाई, दीपांशु जी कह रहे हैं मोरारजी अंकल जी। चलिए आंसर आने हमारे पास शुरू हो गए हैं। सुबह कह रहे हैं क्या मोरारजी देसाई? जी हाँ, मोरारजी देसाई जी ने ही सबसे ज्यादा टाइम इंडिया का बजट प्रेजेंट किया है। मोरारजी देसाई ने 10 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10 बार। उसके बाद अगर हम बात करें चिदंबरम साहब है 9 बार, प्रणब मुखर्जी हैं 8 बार, उसके बाद हमारे पास यशवंत सिन्हा है, यशवंत राव शवन है, सी डी देशमुख है। तो इन तीनों ने 7 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया हुआ है, 7 बार बजट प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए मोरारजी देसाई जी की अगर मैं बात करूं, मोरारजी देसाई ये इंडिया के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1977 में इन्होंने सरकार बनाई थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कांग्रेस में थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, नेहरू जी की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। तो 10 बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें से 2 बार इंटरिम बजट था, 8 बार जनरल बजट था, 2 बार इंटरिम बजट था। एंड मोरारजी देसाई देश के एक लौते ऐसे वित्त मंत्री हैं जिसने अपने जन्मदिन वाले दिन बजट प्रेजेंट किया है, बर्थडे वाले दिन। क्यों? इनका बर्थडे आता था 29 फरवरी को, और बजट पहले कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। तो 1964 एंड 1968 में इन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन बजट प्रेजेंट किया हुआ है। देश के आज तक के इकलौते ऐसे प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। तो यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या सोनल जी कह रही है 10 बार 8 बार आम, 2 बार एंट्रीम? जी हाँ,
जी हाँ बिल्कुल सही, 9 बार चिदम्बरम जी हैं और 10 बार क्या है मोरारजी देसाई। तो देखिए मोरारजी देसाई जी के बारे में अगर मैं और बात करूं तो काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पे। जैसे ये इंडिया के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 81। अभी अभी दुनिया में एक बात आई थी कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है सना मरी फिनलैंड की। और जब यंगेस्ट की बात होती है तो ओल्डेस्ट की बात भी होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि प्रेजेंटली दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, उनका नाम क्या है, बताइए जल्दी से। देश के दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे यंगेस्ट मैंने अभी बताया सना मरीन फिनलैंड की है, सिर्फ 34 साल की है। देश दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बताइए। और इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट कौन है, मोरारजी देसाई। और इंडिया के सबसे यंगेस्ट कौन है, राजीव गांधी, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। रवि राजन कह रहे हैं फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन बाय मोरारजी। नहीं रवि जी, फर्स्ट टाइम जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये मोरारजी जी ने नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जो डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था वो 1946 में हुआ था, बिफोर द इंडिपेंडेंस। दूसरी बार हुआ था 1978 में, वो किया था मोरारजी देसाई ने। प्रत्युषा कह रही है मलेशिया, कार्तिक कह रहे हैं थाईलैंड, शुभम जी ने पूरा नाम सही बताया, माथिर बिन मोहम्मद ऑफ मलेशिया। माथिर बिन मोहम्मद मलेशिया के है प्रधानमंत्री हैं। ही इज प्लस 90 से प्लस है, 93-94 के है जो कि अभी वर्क कर रहे हैं मलेशिया देश के प्रधानमंत्री। हम बजट की बात कर रहे थे, मोरारजी देसाई का 10 बार है, चिदम्बरम का 9 बार है, प्रणब मुखर्जी का 8 बार है, और उसके बाद यशवंत सिन्हा, यशवंत राव शवन, सी डी देशमुख, इनका 7-7 बार है। सी डी देशमुख नेहरू जी की सरकार में ही थे वित्त मंत्री, यशवंत राव शवन इंदिरा जी के साथ काम किया इन्होंने, यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ काम किया इन्होंने। और अगर मैं बात करूं यहां पर सी डी देशमुख साहब की, सी डी देशमुख ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सी डी देशमुख, चिंतामन डी देशमुख। इन्होंने 1943 में ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे और 1949 तक इन्होंने काम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर द रेल बजट वॉज मर्ज्ड विद यूनियन बजट, किस साल रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया, बताइए जल्दी से। किस साल यूनियन बजट के साथ रेल बजट को मर्ज कर दिया गया, बताइए जल्दी से। आंसर द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी बताइए। तो मनीष जी ने सबसे पहले आंसर किया 2017, नीलेश जी कह रहे हैं 2014। आंसर कीजिए गाइस जल्दी से, यूनियन बजट किस साल मर्ज किया गया, सॉरी रेल बजट किस साल मर्ज किया गया यूनियन बजट के साथ। आंसर आ रहे हैं हमारे पास, अभी तक मुझे सिर्फ 3 सही आंसर मिले हैं इसमें से। तो गाइस इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, 2016। देखिए 1924 में, 1924 में हमारे पास एक पर्सन थे जिनका नाम था विलियम एक्वर्थ। एक रेलवेज एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट थे, तो विलियम एक्वर्थ जी ने 1924 में, 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। इसमें इन्होंने क्या बोला कि आप इंडिया में यूनियन बजट में से रेल बजट को सेपरेट कर दीजिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन पे 1924 में क्या किया, बजट में से, यूनियन बजट में से रेल बजट को सेपरेट कर दिया। और 2016 में हमारे रेल मंत्री थे पीयूष गोयल साहब ने क्या किया, इन्होंने फिर से मोदी सरकार को रेकमेंड किया कि आप मर्ज कर दो रेल बजट को यूनियन बजट के साथ। तो 2016 में 21st of September 2016 मोदी गवर्नमेंट ने फिर से मर्जर कर दिया रेल बजट के साथ, यूनियन बजट के साथ रेल बजट का। तो एक्वर्थ कमेटी में रेडिट सेम, जी हाँ बिल्कुल सही। चलिए 2016 इसका राइट आंसर था। बढ़ते आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन से वित्त मंत्री हैं जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने,
Which of the following finance minister later became the prime minister of India? Answer the question. पूजा जी पूछ रही है सर इंडियन बैंक एसओ में बजट से क्वेश्चन होंगे क्या? जी हाँ पूजा जी बिल्कुल पूछे जाते हैं एसओ से, एसओ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है एसओ में क्या है कि बेसिकली आप फील्ड, जिस फील्ड में बेसिकली जा रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो बजट में उस फील्ड में सबसे ज्यादा क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अल्पना जी कह रही है ई, निखिल जी भी कह रहे हैं ई, मनीषा का कहना है बी, तो यहां पर हमारे पास आंसर तो आ रहे हैं बट दिव्या जी भी कह रही है बी, प्रशांत रोत कह रहे हैं स्किप। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, काफी लोगों ने आंसर किया प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर कब बने? प्रणब मुखर्जी तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 8 बार बजट प्रेजेंट किया, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर आई एग्री बट ही बिकेम द प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर आप गलत हो गए। इसका सही आंसर जो है वो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले राजीव गांधी की सरकार में क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहां पर प्रणब मुखर्जी नहीं है, गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार टेम्परेरी प्रधानमंत्री बने थे, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू जी और आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो नरसिम्हा राव भी नहीं है, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे बट उन्होंने एक भी बजट प्रेजेंट नहीं किया हुआ। चलिए यहां पे आंसर क्या था? वीपी सिंह, वीपी सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास 4 फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे रह चुके हैं जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई पहले बात की हमने, उसके बाद मोरारजी देसाई जी की, मोरारजी देसाई के बाद मोरारजी देसाई की जो सरकार थी ये 2 साल में गिर गई थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए जो इनकी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद वीपी सिंह आए जो कि राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह आए। तो ये 4 हमारे पास ऐसे थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने बट हमारे पास 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे भी रहे जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने। एक है रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन की बात करूं तो 1980 से लेकर 82 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। 82 से 87 तक ये क्या थे? 82 से 87 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे और 87 में प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद दूसरे प्रणब मुखर्जी हैं। चलिए मनमोहन सिंह 2 ये क्वेश्चन डाउटफुल था, कोई बात नहीं अब डाउट क्लियर हो गया आपका। सर प्लीज शेयर पीडीएफ ऑफ लेक्चर 7 और 10। विशाल जी सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, पोर्टल पे जाकर चेक करिए, पोर्टल पे जाके देखिए सारे पीडीएफ अपलोडेड है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी तक हमने बात की है कुछ बजट हिस्ट्री की, अब हम बढ़ते हैं यूनियन बजट 2021 की तरफ, 2020-21 के बजट की तरफ अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूनियन बजट 2021 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेजेंट किसने किया? ये प्रेजेंट किया इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन जी का ये दूसरा बजट था, उन्होंने अपना दूसरा यूनियन बजट प्रेजेंट किया है। पहला उन्होंने जुलाई में किया था, जुलाई 2019 में, और इस बार इन्होंने अपना दूसरा बजट प्रेजेंट किया है। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं बजट को लेकर, बजट का इस बार थीम क्या था। देखिए इस बार का जो यूनियन बजट आया, यूनियन बजट ने बेसिकली 3 थीम्स के ऊपर फोकस किया है। तो सबसे पहले था एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया में किस चीज की बात होती है? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वेलनेस, सैनिटेशन, वाटर, एजुकेशन एंड स्किल्स की। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इकोनॉमी। और उसके बाद केयरिंग सोसाइटी, केयरिंग सोसाइटी में किस चीज की बात होती है? वुमेन, चाइल्ड, सोशल वेलफेयर, कल्चर, टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बजट को इस बार 3 थीम्स में डिवाइड किया गया। तो आज हम बात करेंगे एक थीम की, दैट इज एस्पिरेशनल इंडिया। आज हम एस्पिरेशनल इंडिया की तरफ पूरा फोकस करेंगे। आज जो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया। हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड इन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में सरकार ने कितना पैसा अनाउंस किया है 2020-21 के बजट में, बताइए जल्दी से। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में
बताइए जल्दी से कितना पैसा सरकार खर्च करने वाली है, बताइए जल्दी से बताइए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बताइए जल्दी से बताइए। मनीष जी का आंसर आया, तो यहां पर हमारे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। सब लोग आंसर कर रहे हैं। मुकेश जी कह रहे हैं डी, श्रेया जी कह रही है 2.83 लाख करोड़, भारत रेड्डी कह रहे हैं 1.63 लाख करोड़। तो आंसर आने शुरू हो गए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जो टोटल पैसा खर्च किया वो किया 2.83 लाख करोड़ रुपीस। इस 2.83 लाख करोड़ में से 1.6 लाख करोड़ जो दिया वो एग्रीकल्चर इरीगेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज में दिया, और बाकी का जो 1.23 लाख करोड़ है वो दिया रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंदर। बट जो टोटल दिया वो दिया 2.83 लाख करोड़। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी मैंने साथ में मेंशन करी है, 2,83,202 करोड़ रुपीज। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, 2.83 लाख करोड़ इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा इस साल एग्रीकल्चर में जो दिया गया, एग्रीकल्चर के अंदर 16 पॉइंट एजेंडा दिया है, 16 फंक्शन, 16 पॉइंट्स एजेंडा निर्मला जी ने डिफाइन किया, 16 पॉइंट्स एजेंडा, 16 एक्शन पॉइंट्स। वो 16 एक्शन पॉइंट में बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूं उसकी हम डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले बात करिए मॉडल लॉस की। तो मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लैंड लीजिंग एक्ट 2016 आया, उसके बाद मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट आया, उसके बाद मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट आया 2018 में। तो बजट में 16 एक्शन पॉइंट में निर्मला जी का क्या कहना है कि स्टेट, जो स्टेट्स के अंदर ये जो तीनों एक्ट हैं ये इंप्लीमेंटेशन में है, तो हम वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को एनकरेज करने के लिए काम करेंगे। इन स्टेट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को एनकरेज करेगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यह बताइए, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट, द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से। द इनकम ऑफ फार्मर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डबल बाय विच ईयर, सरकार कहती है कि किस साल तक जो फार्मर्स की, किसानों की आय है उसको दुगना कर दिया जाएगा, बताइए किस साल तक किसानों की जो आय है उसको दुगना कर दिया जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए, किस साल तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। सिक्किम, यस सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला, सिक्किम जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, एंड सिक्किम इंडिया का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए अब, किसानों की आय को कब तक दुगना कर दिया जाएगा यह सरकार कहती है, फार्मर्स इनकम, तो सबसे पहले आंसर किया यहां पर रमेश बाबू जी ने, सॉरी मनीष जी ने आंसर किया सबसे पहले 2022, रितिका भी कह रही है बी, प्रत्युषा कह रही है 2022, पीयूष जी कह रहे हैं बी, तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास। तो सब लोग कह रहे हैं 2022, जी हाँ 2022 आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2022 तक सरकार कहती है कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी का नाम है अशोक दलवाई कमेटी सरकार ने बनाई हुई है, किस लिए, फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने के लिए। इसके लिए सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रमोट कर रही है, 16 एक्शन पॉइंट दिया गया, एमएसपी फिक्स कर दिया गया, मार्केट में मंडियों में डिजिटल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को उसकी फसल का एक्चुअल प्राइस मिल पाए। तो सरकार जो है इसकी तरफ मूव ऑन करती जा रही है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, दैट इज अशोक दलवाई कमेटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एस्पिरेशनल इंडिया का, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एस्पिरेशनल इंडिया का। अभी हमने थीम पढ़ा था एस्पिरेशनल इंडिया, तो इनमें से कौन सा उसमें नहीं था, अभी आपने देखा है, बताइए जल्दी से, वाटर, इरीगेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी,
आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर द क्वेश्चन गाइस। मनीष जी का आंसर आया वॉटर, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सोनल जी कह रही है ए, पीयूष कुमार कह रहे हैं ई, मीना जी कह रही है रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि एस्पिरेशनल इंडिया जो हमारी तीन थीम थी उसमें से क्या था, एस्पिरेशनल इंडिया हमारी पहली थीम थी। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजों की बात की, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात हमने की, इरीगेशन की बात भी हमने की, एजुकेशन एंड स्किल्स की बात भी हमने की, हमने वाटर एंड सैनिटेशन की बात भी की थी। बट एक चीज थी जिसकी बात हमने नहीं की, वो था रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हमने नहीं की। तो यहां पर आंसर हमारा क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा जो था वो क्या था, हमारा आंसर यहां पर रहने वाला है। क्योंकि जो एस्पिरेशनल इंडिया है वो इसकी बात नहीं करता। तो एस्पिरेशनल इंडिया में तीन कंपोनेंट थे जिसकी हमने बात की, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नबार्ड, नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम के चलते हुए इस बार कितना क्रेडिट टारगेट है हमारा 2021 के लिए, बताइए जल्दी से, थ्रू द नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम सरकार 2021 में कितना क्रेडिट देने वाली एग्रीकल्चर सेक्टर में, बताइए जल्दी से। आंसर द क्वेश्चन, कितना यहां पर क्या सरकार देने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट नबार्ड के थ्रू, 5 लाख करोड़ है क्या वो, 10 लाख करोड़ है क्या वो, 15 लाख करोड़ है क्या वो, 20 लाख करोड़ है क्या वो, 25 लाख करोड़ है, आंसर कीजिए जल्दी से। जो लोग आंसर कर रहे हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बजट का फायदा उठा पाए। क्योंकि फुल ईयर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हमने लास्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात बताऊं, अभी एचपी इलाइट का एक पेपर हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सब लोग बोल रहे हैं सी सी सी, 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। जी हाँ, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ सरकार इस बार देने वाली है क्या, एग्रीकल्चर क्रेडिट यहां पर देने वाली है नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम के थ्रू। और इसके साथ साथ बेसिकली क्या होगा, जो भी पीएम किसान सरकार ने पिछले बजट में अनाउंस किया था, पीएम किसान इंटरिम बजट में आया था लास्ट ईयर, तो पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को इसमें 6,000 रुपए मिलते हैं 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो पीएम किसान के साथ जो भी केसीसी वाले हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी पीएम किसान वाले हैं और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाले हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, आगे चलते हैं, देखिए नबार्ड की अगर आप मुझे बात बताओ तो नबार्ड को लेकर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, नबार्ड वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। चलिए आप आंसर कीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 के बजट में कॉम्प्रेहेंसिव मेजर वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को, कितने वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर कवर करने वाली है सरकार, कॉम्प्रेहेंसिव मेजर ऑफ हाउ मेनी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स, बताइए। जी हाँ, शिवारमन कमेटी, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था नबार्ड 1982 में, अंडर द नबार्ड एक्ट 1981, अंडर द नबार्ड एक्ट 1981। नबार्ड एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लास्ट ईयर यहां पर अगर मैं नबार्ड की एक और बात करूं, लास्ट ईयर 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना शेयर जो कि उसका नबार्ड के अंदर था उसको बेच दिया। किसको बेच दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच दिया। तो बताओ वो जो शेयर आरबीआई का था वो शेयर आरबीआई ने कितने अमाउंट में बेचा था, मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, वो जो शेयर आरबीआई को बेचा, आरबीआई ने अपना बेचा नबार्ड के अंदर जो उसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो कितने अमाउंट में बेचा, कितने अमाउंट में बेचा। जी हाँ, शिवारमन कमेटी, आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, हाउ मेनी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो बी बी, यहां ये लोग, ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, 100
100 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स की यहां पर बात हो रही है, गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि नबार्ड के अंदर कितना शेयर था, कितने अमाउंट का शेयर आरबीआई का था जो उसने बेच दिया। बताइए, मनीष कह रहे हैं 700 करोड़, शुभम कह रहे हैं 1470 करोड़, 1470 करोड़। नबार्ड 2019 में आरबीआई ने उसका जितना भी शेयर नबार्ड के अंदर था उसको बेच दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कितने अमाउंट में बेचा था? अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, आरबीआई ने दो बॉडीज में से अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया था, एक था नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा था नबार्ड। नबार्ड के अंदर आरबीआई का जो, अगर मैं इनिशियली बात करूं, आरबीआई के अंदर नबार्ड के अंदर आरबीआई का जो पहले शेयर था वो 72.5% था, बट आरबीआई ने 2010 में ही 71.5% शेयर बेच दिया था। 71.5% शेयर तो आरबीआई ने 2010 में ही बेच दिया था गवर्नमेंट को। अभी आरबीआई सिर्फ 1% का ही शेयर होल्डर था नबार्ड के अंदर, तो 1% जो बेचा, अब बेचा 2019 में, तो मैंने सिर्फ 2019 वाले 1% की बात करी है। तो ये जो 1% बेचा, ये बेचा सिर्फ 20 करोड़ रुपए में, 20 करोड़, 1% शेयर था सिर्फ। हाँ, ये जो 2010 में बेचा था, ये बेचा था 1450 करोड़ में, तो टोटल मैं बोल सकता हूं 1470 करोड़। बट मैंने क्वेश्चन सिर्फ 2019 वाला किया था। हाँ, 2019 में एनएचबी का जो शेयर बेचा, वो बेचा 1450 करोड़ में। नबार्ड का शेयर सिर्फ 20 करोड़ में, क्योंकि 1% शेयर ही था, सिर्फ 1%। चलिए, क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Which of the following scheme remove the farmers' dependence on kerosene and diesel? इनमें से कौन सा स्कीम है जो किसानों का जो डिपेंडेंस केरोसिन और डीजल के ऊपर था ड्यू टू द इरीगेशन, उसको रिमूव कर देता है? क्या वो पीएम किसान है, क्या वो पीएम कुसुम है, कृषि कल्याण अभियान, कृषि सिंचाई योजना, नेशनल इरीगेशन स्कीम? बताइए जल्दी से। तो यहां पर आंसर आने शुरू हो गया। सबसे पहले आंसर दिया शुभम ने, पीएम कुसुम, उसके बाद पीयूष कुमार कह रहे हैं बी, अंकिता जी कह रही हैं बी, अक्षिता जी कह रही हैं बी, तो सब लोग आंसर कर रहे हैं क्या, बी बी बी, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कुसुम। तो यहां पर आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, पीएम कुसुम, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, उत्थान महाभियान। 2019 में सरकार ने स्कीम को अनाउंस किया था, 2019 में स्कीम को अनाउंस किया गया था पीएम कुसुम को। इस स्कीम में बेसिकली क्या था, किसानों को सरकार क्या कहती है कि किसान अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बने, सरकार क्या कहती है कि किसान अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बने। तो इसके चलते हुए बात हुई सोलर पंप्स की, तो सरकार ने किसानों को सोलर पंप्स देने स्टार्ट कर दिए। तो सोलर पंप्स की अगर मैं बात करूं, इस स्कीम का जो टारगेट था इरीगेशन के लिए, सरकार ने किसानों को क्या दिया, क्या, सोलर पंप्स। फर्दर बात करते हैं इसकी, तो यहां पर क्या था, 1000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स की बात हुई। बेसिकली इस स्कीम में तीन कंपोनेंट की बात होती है, तो पहला कंपोनेंट क्या था, 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद बात करें तो 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स, ये इनिशियल 2019 में जब स्कीम स्टार्ट हुई मैं वो बात कर रहा हूं, बट
2020 के अगर मैं बजट की बात करूं, 2021 का जो बजट है, इस बजट के अकॉर्डिंगली जो 17.5 लाख था स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, उसको 20 लाख कर दिया गया, उसको 20 लाख कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इंक्रीज टू कितना, 20 लाख। तो कितने पंप लगाए जाएंगे, 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। उसके बाद 10 लाख क्या था, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स की बात हुई थी, 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। देखिए ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स क्या होते हैं कि किसान इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट तो करेगा सोलर का यूज करते हुए, बट उसको बेचेगा भी, जितना उसको जरूरत है वो यूज करे, उसके बाद वो बेच देगा। और इसके अंदर सरकार ने क्या किया, इसके बाहर के बजट में 15 लाख और ऐड कर दिए, अनदर 15 लाख एडेड ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज ध्यान में रखना, दो क्वेश्चन और बनते हैं, कितने स्टैंड अलोन पंप्स 20 लाख और ग्रिड कनेक्टेड पंप 15 लाख, दो क्वेश्चन ये और बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जी हाँ प्रशांत जी, वही बताया मैंने भी, 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स एंड 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, पीएम कुसुम 2019 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही। बढ़ते आगे, एज पर द यूनियन बजट इंडिया हैज एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ डैश मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एग्री वेयर हाउसिंग कोल्ड स्टोरेज एंड रेफर वैन फैसिलिटीज। बताइए इंडिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कितने मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास एस्टिमेटेड, आंसर कीजिए जल्दी से, कितने मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास क्या है स्टोरेज कैपेसिटी है एग्री वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज में एंड वैन फैसिलिटीज, स्टोरेज कैपेसिटी। आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास, सबसे पहले आंसर किया परफेक्टली ने 162, दीपांशु जी कह रहे हैं 152, निलेश कह रहे हैं 162, मनीष कह रहे हैं 200। तो देखिए यहां पर जो कैपेसिटी है हमारे पास वो कितनी है, 162 मिलियन मैट्रिक टन्स, 162 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो ये जो कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास इतने एग्री वेयर हाउसिंग है, तो सरकार क्या कहती है, यहां पर नबार्ड को एक काम दिया, नबार्ड को क्या काम दिया, नबार्ड इनकी मैपिंग करेगा, जियो टैगिंग करेगा, ताकि पता लगता रहे कहां, सरकार ने बोला कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसके लिए बात किसकी की, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की नॉर्म्स की बात की। तो सबसे पहले ट्रिपल पी मॉडल के तहत क्या होगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी ऐसे एफिशिएंट वेयर हाउसेस को लगाने के लिए, ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे स्टेट्स इसके लिए काम करेंगे, यहां पर किसके लिए, स्टेट्स काम करेगा इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर। और उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को बोला गया कि आपके पास जो लैंड है आप अपनी लैंड को देंगे यहां पर, आप अपनी लैंड को यूज करेंगे यहां पर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वेयर हाउसिंग को बढ़ाने के लिए, इन दोनों को बोला गया। और हमारे पास नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग जो रिसिप्ट्स है इसका जो अमाउंट है ये 6000 करोड़ का पार कर चुका है, 6000 करोड़। और सरकार कहती है कि इसको ई नैम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसके साथ जोड़ दिया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया। तो यहां पर स्टोरेज कैपेसिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज करने की बात चल रही है, स्टोरेज कैपेसिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे, विच विलेज स्टोरेज स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द बजट। सरकार ने फिर से स्टोरेज की बात करें हम, तो सरकार ने कौन सा विलेज स्टोरेज स्कीम अनाउंस किया है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बजट के अंदर, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। केजरीवाल वॉन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्स मेल आप भी जीतिए, एग्जाम को क्रैक करिए तब हम मानेंगे कि एक्स मेल जी भी जीत गए, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, एग्जाम क्रैक करिए, आंसर कीजिए जल्दी से। मनीष जी कह रहे हैं धन्यलक्ष्मी, रितिका जी कह रही है सी, तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास। चलिए जी हाँ, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, धन्यलक्ष्मी, धन्यलक्ष्मी ये सरकार ने बेसिकली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक टर्म किया है, इनको बोला जाएगा
एक विलेज चोरस स्कीम का अनाउंसमेंट किया कि ये स्टार्ट करी जाएगी, जिसको ऑपरेट करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होएगा, बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसको ऑपरेट करेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, धान्या लक्ष्मी की पोजीशन दी जाएगी इनको यहाँ पर, जो भी वुमेन्स यहाँ पर काम करेंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। तो धान्या लक्ष्मी इज द राइट आंसर यहाँ पर। चलिए बढ़ते आगे। सरकार ने बेसिकली स्टोरेज को लेकर एक और बात कर दी, क्या, किसान रेल। किसान रेल का सेटअप किया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रिपल बी मॉडल के तहत, ट्रिपल बी मॉडल दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा किसान रेल को, इसको किस टाइप की गुड्स के लिए लॉन्च किया जाएगा, क्या वो एग्रीकल्चर गुड्स है, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है, या फिर सॉलिड गुड्स है, बताइए किस तरह की गुड्स के लिए सरकार किसान रेल का सेटअप करने वाली है। किसान रेल एज आई सेड अर्लियर, जो लोग आंसर कर रहे हैं वो शेयर करिए। किसान रेल, किसान रेल, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास डी डी ए। रितिका जी कह रही है ए, शुभम कह रहे हैं डी, चारू शर्मा भी कह रही है ए, भारत रेड्डी डी। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सब लोग आंसर कर रहे हैं। तो यहां पर इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पेरिशेबल गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, इन सबको ट्रेड करने के लिए, इन सबकी ट्रेड बढ़ाने के लिए यहां पर क्या इंडियन रेलवे ट्रिपल पी मॉडल के तहत लॉन्च करने वाला है एक प्लेटफॉर्म किसान रेल, किसान रेल, जिसमें एक्सप्रेस और फ्राइट कोचेस, दोनों के दोनों कोचेस यहां पर होंगे रेफ्रिजरेटेड के साथ, क्योंकि ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो ट्रेड करनी है तो कोल्ड स्टोरेज में ही होती है। तो किसान रेल चलाई जाएगी यहां पर इंडियन रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। देखिए यहां बात रेलवे की हुई, तो रेलवे में मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या, हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, बताइए कमेंट सेक्शन में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। चलिए कृषि उड़ान योजना, ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करने वाली है, कृषि उड़ान योजना, क्या ये कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिविल एविएशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बताइए कृषि उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना, बताइए जल्दी से। जी हां, विनोद कुमार यादव इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड पूरा का पूरा ऑपरेट किया जाता है, सॉरी पूरा रेल सिस्टम ऑपरेट किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है कौन, वीके यादव, विनोद कुमार यादव। तो यहां पर आंसर हमारे पास शुरू हो गए हैं कृषि उड़ान योजना को लेकर, कृषि उड़ान योजना। जैसे देखिए हमने अभी बात की थी किसकी, अभी हमने बात की थी किसान रेल की, उसी तरह से क्या है कृषि उड़ान योजना, सेम उसी प्रोसेस में काम करेगी अभी। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के क्या कर रही है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यहां पर लॉन्च करने वाली है किसको, कृषि उड़ान योजना को। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर है हमारे पास, हरदीप सिंह पुरी हमारे मिनिस्टर है इसके पास, हरदीप सिंह पुरी, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के भी मिनिस्टर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर बेटर मार्केटिंग एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बेटर मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सरकार इनमें से किस मेथड को फॉलो करने वाली है, ओडीओपी, पीएमजेडीवाई, पीएमएफवीवाई, पीएम किसान, पीएम कुसुम, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यहां पर किस मेथड को फॉलो किया जाना है, हॉर्टिकल्चर, तो यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग पीएम कुसुम बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं पीएम एफबीवाई, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओडीओपी। तो यहां पर
जो लोग बोल रहे हैं ओडीओपी, इनका आंसर बिल्कुल सही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस मेथड का यूज किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. ये काफी टाइम से इनिशिएटिव चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंटर का कहती है, स्टेट्स को कहती है कि आप फॉलो करिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अभी ये किसकी कितनी कैपेसिटी है, 311 मिलियन मैट्रिक टन इसकी अभी जो कैपेसिटी है, इसको एक्सीड कर चुकी है. तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फिशरीज एक्सपोर्ट टू रेस्ट हाउ मच परसेंट, हाउ मच अमाउंट बाय 24-25, 2024-25 तक फिशरीज एक्सपोर्ट को कितना रेस कर दिया जाएगा, बताइए. परफेक्टली जी नहीं, यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है. तो फिशरीज एक्सपोर्ट 2024-25 तक कितना रेस किया जाएगा, फिशरीज एक्सपोर्ट. तो कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख. तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 लाख करोड़. फिशरीज एक्सपोर्ट को 2024-25 तक 1 लाख करोड़ बना दिया जाएगा. यूथ को जोड़ा जाएगा, यूथ को जोड़ा जाएगा फिशरीज प्रोडक्ट्स की तरफ. देखिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. हम दूसरे स्थान पे आफ्टर द चाइना, चाइना पहले पे है, हम दूसरे पे है फिशरीज को लेकर. इसके लिए सरकार की एक स्कीम भी चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए. तो यूथ को बेसिकली यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ताकि यूथ को यहाँ पर क्या होगा. देखिए, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था, क्या सरकार नौकरियां देने वाली है 2030 तक, कितनी, 8 करोड़, 2025 तक 4 करोड़. तो उन नौकरियों में जो मेनली बात है वो एक्सपोर्ट को लेकर है. एक्सपोर्ट में क्या, ये ब्लू इकोनॉमी वाला सेक्टर, ये ब्लू इकोनॉमी वाला सेक्टर. तो 3,477 सागर वितरक एंड 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर क्या होगा, ये यूथ को जोड़ने के लिए काम करेंगे, फिशरी को बढ़ाने के लिए आगे यूथ को लेकर काम करने वाले हैं. चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से. कितनी कैपेसिटी, कितने लाख टन की कैपेसिटी 2022-23 तक फिश प्रोडक्शन सेक्टर में बढ़ानी है हमें. 2022-23 तक फिश प्रोडक्शन सेक्टर में कितनी कैपेसिटी, कितने लाख टन तक लेके जाना है हमको, बताइए जल्दी से. जल्दी से आंसर कीजिए, कितने लाख टन की कैपेसिटी बढ़ानी है 2022-23 तक. तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास. आकांक्षा जी कह रही है 200, मनीष जी भी कह रहे हैं 200, इंद्रजीत डी. तो 200 मिलियन टन इज द राइट आंसर. 200 मिलियन टन की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, कब तक, 2022-23 तक. इसके चलते एलगे, सी वीड, केज कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है. मैरीन फिशरी रिसोर्सेज की और कंजर्वेशन किया जाएगा, यहाँ पर इनको बढ़ाया जाएगा. बेसिकली फिशरीज मार्केट को हमें बहुत आगे लेके जाना है, ये हमारा टारगेट है. चलिए अगला क्वेश्चन. गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिल्क प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर है, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसको डबल कर दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 108 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया जाएगा, जो प्रेजेंट कितना है 53 मिलियन मैट्रिक टन. तो किस ईयर तक बेसिकली इसको क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, बताइए जल्दी से. 2021-22-23-24-25-30 बताइए जल्दी से. मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी. इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, हम नंबर वन पे हैं. तो मनीष जी ने आंसर किया 2025, रितिका कह रही है डी, 25-24-25 यहां पर आंसर आ रहे हैं. आंसर कीजिए जल्दी से. चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ. 2025 तक सरकार क्या कहती है कि जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसको डबल कर दिया जाएगा, कितना, 108 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया जाएगा. उसके बाद बात होती है देखिए लाइव स्टॉक की बात करें, यहां पर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात हो रही है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आर्टिकल जो एनिमल्स में होता है वो भी 30% होता है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 70% इंसेमिनेशन, इनफर्टिलिटी. उसके बाद मनरेगा,
को बेसिकली यहां पर फोटो फार्म्स के लिए हेल्प करेगा बनने का। चलिए अगला क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिसीजेस कैटल के अंदर, सॉरी इन कैटल एंड शीप्स एंड गोट्स में जो होता है पेस्ट डेज पैटिस, इसको कब तक खत्म कर दिया जाएगा। देखिए फुट एंड माउथ डिसीज वाली बात हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी की थी, तो बताइए कि कब तक सरकार कहती है कि इनको खत्म कर दिया जाएगा, जल्दी से बताइए कब तक इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास, बताइए जल्दी से बाकी लोग भी, 2025 जी हाँ 2025 तक सरकार कहती है कि इन डिसीज को खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने क्या चलाया था, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है, जिसके अंदर 13,343 करोड़ रुपीस का एलोकेशन भी है हमारे पास। तो डेट इज 2025 इज द राइट आंसर। निलेश कह रहे हैं 2030, देखिए 2030 तक फाइनल खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से, बट जो उसका वैक्सीनेशन है वो 2025 तक है। चलिए अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, एलोवेशन ऑफ पॉवर्टी को, पॉवर्टी को मिटाने के लिए स्कीम चलाई गई थी, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसके अंदर मोबिलाइज हो चुके हैं बताइए, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY बोलते हैं इसको, तो कितने यहां पर क्या हो चुके हैं मोबिलाइज हो चुके हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। बेसिकली स्किल्स को लेकर ये स्कीम चलाई गई थी, स्किल सेक्टर को लेकर। तो आंसर आने शुरू हो गए 58 लाख। जी हां आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 58 लाख पॉवर्टी एलिवेशन पे यहां पर दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर हो चुका है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो काम क्या था, वो रूरल कम, अगर मैं रूरल कंपोनेंट की बात करूं तो 5 से 10 लाख यूथ फ्रॉम इंडियन विलेज एंड इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाना, 5 से 10 लाख लोगों को, यूथ को इंडियन के विलेजेस में से इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ये इसका टारगेट था। और ये अर्बन में भी चलती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। नेशनल लिवलीहुड मिशन ये हमारा 2011 से चल रहा है, बट दीनदयाल अंत्योदय योजना बाद में आई। तो यहाँ पर रूरल की बात करेंगे क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर जो इनिशियल सम है 10,000 रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा एक एक ग्रुप को, और जो रजिस्टर्ड फेडरेशन है इनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर। DAY इसको बोलते हैं, DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए बात करें हम इस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, और तो सरकार ने एक पोर्टल की बात की, जैविक खेती पोर्टल। जैविक खेती पोर्टल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बात होती है यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पिछले साल से प्रमोट किया जा रहा है 2019 से, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो किसान है ये फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज ना करे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, फार्मिंग करने में बिल्कुल कोई भी खर्चा नहीं करना, नेचुरल फार्मिंग करनी है, कुछ भी नहीं खर्चना, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ, एक राज्य की सरकार ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए KfW बैंक के साथ 711 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट भी साइन किया था, तो ये राज्य था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था ये अपने राज्य के अंदर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, इन्होंने क्या किया KfW बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया, KfW बैंक जर्मनी का बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हेल्थ केयर सेक्टर में सरकार कितना पैसा देने वाली है, कितना पैसा दिया सरकार ने इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में कितना पैसा दिया सरकार ने, हेल्थ केयर सेक्टर बताइए जल्दी से, गुड इवनिंग मानसी जी, कोई बात नहीं आप लेट हो गए तो आंसर कीजिए जल्दी से। हेल्थ केयर सेक्टर, तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास, 69,000 करोड़ रुपीस बोल रहे हैं, 69,000 करोड़ रुपीस, 69,000 करोड़, जी हां 69,000 करोड़ इस साल हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च किए जाएंगे 2020-21 में, हेल्थ केयर में कितना खर्च किया जाएगा 69,000 करोड़ रुपीस। चलिए आगे बढ़ते हैं,
69,000 करोड़ जो खर्च किए जाएंगे उसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कितना खर्च किया जाएगा बताइए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कितना खर्च किया जाएगा उसके उसमें से ये बताइए जल्दी से। उसमें से कितना खर्च किया जाएगा यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर? श्रेया जी कह रही है 6,000। श्रेया जी ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो दीपांशु कह रहे हैं 64, परफेक्टली जी कह रहे हैं 6400। तो जी हाँ 6400 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 6429 करोड़, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू जो यहां पर खर्च की जाएगी जन आरोग्य योजना के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर बजट 2021 कितने हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के अंदर बताइए जल्दी से, कितने जो हॉस्पिटल्स हैं वो एम्पैनल्ड हो चुके हैं अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? आंसर कीजिए जल्दी से, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर किसने हॉस्पिटल्स को एम्पैनल्ड किया जा चुका है? आयुष्मान भारत स्कीम, देखिए अभी मैंने बात की थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, अब मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत स्कीम की। अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों स्कीम एक ही है, नाम दो हैं, एक्चुअल में स्कीम के चार नाम है। पहला क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बाद क्या आया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद क्या आया? नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम। उसके बाद क्या आया? मोदी केयर, मोदी केयर। एक स्कीम है, नाम चार है, नाम चार है। इस स्कीम का बेसिक टारगेट क्या था? लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। 5,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए, और प्राइमरी के लिए क्या है? वेलनेस सेंटर खोलेंगे। कितने? 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो 20,000 हॉस्पिटल्स जो है वो यहां पर एम्पैनल्ड हो चुके हैं अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। इसके अंदर और हॉस्पिटल्स को जोड़ने के लिए सरकार क्या कहती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग विंडो का यूज किया जाएगा। ट्रिपल बी मॉडल के तहत नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़े जाएंगे। इसके बाद क्या है कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहां पर कवर किए जाएंगे। बेसिकली जहां पर अभी तक एक भी आयुष्मान हॉस्पिटल नहीं है, तो पहले हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो ऐसे हॉस्पिटल रहने वाले हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं जहां पर एक भी हॉस्पिटल यहां पर अटैच नहीं है। दीपांशु कह रहे हैं हर साल बजट साथ नाम चेंज करते गए। दीपांशु ये स्कीम तो आई ही 2018 में है, 2018 में ही आया था क्या आयुष्मान भारत योजना? चलिए आगे इसी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस को यहां पर बढ़ाया जाएगा, यूथ को इंक्लूड किया जाएगा ताकि यूथ इस सेक्टर में काम करें, हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाया जाए। तो टैक्सेस के साथ यहां पर मेडिकल डिवाइसेस को यूज करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज भी साथ में खोला जाए, तो ऐसे सर्विसेज सरकार देने की बात कर रही है यहां पर। तो किस साल तक इंडिया टीबी फ्री हो जाएगा? सरकार के मुताबिक किस साल तक इंडिया को टीबी फ्री कर दिया जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस, यहां पर बात होती है ट्यूबरक्लोसिस की। तो किस साल तक इंडिया ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगा बताइए जल्दी से, इंडिया टू बिकम टीबी फ्री बाय विच ईयर? मानसी सिंह कह रही है 2024 तक, सबसे पहले आंसर दिया मानसी सिंह ने, इंडिया टू बिकम टीबी फ्री बाय विच ईयर ट्यूबरक्लोसिस। ये बजट में नहीं है, पहले से अनाउंस है। तो आंसर आ रहे हमारे पास 2025। जी हां आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इंडिया टू बिकम टीबी फ्री बाय 2025। तो देखिए यहां पर सरकार ने 2019 में कैंपेन लॉन्च किया, क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस कैंपेन के तहत सरकार ने प्रमोट किया टीबी को कि हाँ टीबी को हटाओ फटाफट, 2025 तक इंडिया में से टीबी को खत्म कर देना, हमें एलिमिनेट करना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025। ये 2025 क्या है? 2025 इंडियन गवर्नमेंट का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 2026, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 2026, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं
इसका आंसर आप लोग करिएगा कमेंट सेक्शन में. वर्ड टीबी डे, वर्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है? वर्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कमेंट सेक्शन में बताइए. वर्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है बताइए जल्दी से. मानसी सिंह कह रही है इक्विपमेंट का था 2024. ठीक है मानसी, 2024 जी हाँ, इक्विपमेंट का 2024 था. चलिए आगे बढ़ते हैं. द यूनियन बजट प्रपोज टू एक्सपेंड जन औषधि केंद्र स्कीम. जन औषधि केंद्र स्कीम को यहां पर एक्सपेंड किया जाएगा 2000 मेडिसिन एंड 300 तरह के सर्जिकल्स को. यहां पर सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स तक जन औषधि केंद्र स्कीम को बढ़ा दिया जाएगा. अभी तक ये लिमिटेड ही थी, इसको बढ़ा दिया जाएगा इंडिया के अंदर पूरे के पूरे सभी जगह पर. तो किस ईयर तक? अक्षिता यादव 4 फेब, दीपांशुरी 4 फेब, गलत है आप लोग यहां पर. 4 फेब, 31 मई वर्ल्ड टीबी डे. मैंने ट्यूबरक्लोसिस डे पूछा, कैंसर डे नहीं पूछा. 25 मार्च को होता है, 25th of March 25 मार्च को होता है. चलिए यहां पर आंसर आ रहे हैं हमारे पास 2024. तो जी हाँ 2024 आपका आंसर बिल्कुल सही है. 2000 तरह की मेडिसिन और 300 तरह के सर्जिकल्स को जन औषधि केंद्र स्कीम के तहत पूरे ओवरऑल इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कितना पैसा दिया सरकार ने? स्वच्छ भारत मिशन एक्समेल कह रहे हैं 24 मार्च. जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था. 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे, सॉरी 24 मार्च को होता है, 25 मार्च को नहीं, 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे. स्वच्छ भारत मिशन ₹12,300 करोड़ यहाँ पे खर्च किए जाएंगे. किसके? स्वच्छ भारत अभियान के अंदर. एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 12,294 करोड़ है. 12,294 करोड़ रुपीज इज द एग्जैक्ट वैल्यू. तो ODF बात होती थी पहले, जब ये स्कीम 2014 में आई थी. देखिए स्वच्छ भारत अभियान, इसका टारगेट, बेसिक टारगेट क्या था? इंडिया को ODF बनाना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना. कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक. तो जो बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, ये डाटा क्या कहता है? ये डाटा कहता है कि इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, चाहे अर्बन है चाहे रूरल है. तो अब बात सरकार करती है ODF प्लस की. तो ODF प्लस की तरफ मूव ऑन किया जाएगा ताकि कोई भी ना छूटे. अगर 2-4% रह भी गया है डेफिकेशन को लेकर, वो भी ना छूटे, अब उसको भी कवर अप करेंगे हम. और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की तरफ हमारा फोकस रहेगा. चलिए जल जीवन मिशन के अंदर कितना एलोकेशन है? जल जीवन मिशन के अंदर कितना पैसा एलोकेट किया गया 2021 में बताइए जल्दी से. जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के अंदर कितना यहां पर पैसा दिया गया? दो हजार बीस इक्कीस के लिए जल जीवन मिशन में कितना पैसा दिया गया? देखिए जल जीवन मिशन, ये पिछले साल बजट में अनाउंस किया गया था. जल जीवन मिशन, इसका टारगेट क्या है? हर घर जल बाय 2024. यहाँ पर सरकार कहती है कि इंडिया में हर एक रूरल हाउसहोल्ड के पास, हर एक अर्बन हाउसहोल्ड के पास पीने लायक साफ पानी पहुंचेगा, उसको लेकर बेसिकली ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था. 11,500 जी हाँ बिल्कुल सही, 11,500 करोड़ रुपए यहाँ पर 2021 के लिए जल जीवन मिशन के अंदर. जल जीवन मिशन को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था. चलिए अगला क्वेश्चन. जल जीवन मिशन के लिए पूरी स्कीम के कितने पैसे यहाँ पर प्रपोज्ड है, अप्रूव किए गए हैं? इसके आंसर पहले से आने शुरू हो गए. जल जीवन मिशन के अंदर पूरा टोटल एलोकेशन कितना है? 11,500 करोड़ तो सिर्फ 2021 के लिए था,
टोटल ओवरऑल यहां पर कितना है इसके अंदर, बताइए जल्दी से। ओवरऑल पैसा चलिए आंसर आ रहे हैं हमारे पास बिल्कुल सही 3.60 लाख करोड़ रुपीज। 3.60 लाख करोड़ रुपीज यहां पर खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर, पूरे के पूरे अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। तो देखिए जल शक्ति अभियान हमारा बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जल मंत्रालय हमारा बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। पहले वाटर को लेकर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, गंगा रिजर्वेशन, सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया, जल शक्ति। जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान से लोकसभा के सांसद हैं, इसके मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा सरकार खर्च करने वाली है 2021 में, बताइए जल्दी से। स्किल डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के अंदर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, बताइए जल्दी से। जी हाँ श्रेया जी, पाइप्ड वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड बाय 2024, हर घर जल बाय 2024। अब बताइए स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्किल डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे कितने, 3000 करोड़ रुपए। 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस बार, 3000 करोड़ रुपए 2021 में स्किल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर खर्चे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेक्टर में हर साल बजट डिक्रीज होता था, तो इस बार एक अच्छा अमाउंट मिला है, बताइए कितना अमाउंट मिला एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर बताइए जल्दी से। जल जीवन मिशन का अरुणा जी बता दिया था मैंने, 3.6 लाख करोड़, दैट इज द राइट आंसर, एंड 11,500 करोड़ रुपीज फॉर द दिस ईयर। तो यहां पर आंसर आ रहे हमारे पास ई, तो दैट इज द राइट आंसर, 99,300 करोड़ रुपीज यहां पर इस बार खर्च किए जाएंगे, यहां पर किसके लिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं 2030 तक हमें क्या बनना है, लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन सेक्टर पूरी दुनिया में हमें बनना है। तो सरकार बेसिकली एजुकेशन क्वालिटी इंडिया में बहुत डाउन हो चुकी थी। देखिए हम क्या देखते हैं, इंडिया से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बट सरकार अब क्या कहती है कि लोग इंडिया में पढ़ने के लिए आए, तो नई एजुकेशन पॉलिसी को बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा बहुत जल्दी से। और जो हमारे पास सरकार कहती है कि ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने हैं, अभी हमें इंडिया में जो कॉलेजेस में कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए या डिग्री कोर्सेज हो गए, फुली फ्लेश कोर्सेज, इनको ऑनलाइन लेवल पे लेके जाना है। तो ऑनलाइन लेवल पे सरकार कहती है कि जो टॉप 100 इंडिया के टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहले काम करें इसके ऊपर, ठीक है, ये सरकार कहती है। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये इसको ओपन किया जाएगा इस साल। इसके बाद सरकार कहती है एजुकेशन सेक्टर को और इंप्रूव करने के लिए अब बात है इसमें एफडीआई और ईसीबी की, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर पैसा लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एफडीआई, इसको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई कैपिटल सेक्टर में नहीं होती है, कैपिटल मार्केट में एफडीआई नहीं होता। अगर कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसा आ रहा है तो उसको हम एफडीआई नहीं बोलते। तो एफडीआई होती है कि किसी फॉरेन कंपनी का इंडिया में आकर पैसा लगाना। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, जब कोई इंडियन कंपनी किसी विदेशी कंपनी से पैसा उठाती है, कोई इंडियन कंपनी विदेशी कंपनी से, फॉरेन कंपनी से पैसा बोरो करती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। तो एजुकेशन सेक्टर में अब इसके लिए फोकस करेंगे। चलिए यहां पर इसके बाद सरकार ने क्या बोला, मेडिकल कॉलेज की बात कर दी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ ट्रिपल बी मॉडल में क्या खोला जाएगा, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। स्किल डेवलप, स्किल्स के लेकर, हेल्थ को लेकर यहां पर एक ब्रिज बनाया जाएगा सभी के साथ। उसके बाद टीचर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ,
केयर गिवर्स अब्रॉड इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, वर्क फोर्स एम्प्लॉयर स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर अब काम किया जाएगा सरकार कहती है। देखिए इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इस साल जो नोबेल प्राइज मिले थे अभिजीत बनर्जी, आपको पता होगा नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज, तो अभिजीत बनर्जी जी ने यही बोला था। क्या अभिजीत बनर्जी ने बोला कि इंडिया को क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए अगर इंडिया को गरीबी हटानी है तो, क्वालिटी एजुकेशन जो कि इंडिया में नहीं मिलता। चलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कितने खोले जाने चाहिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को लेकर, बताइए हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव प्रोग्राम्स बाय मार्च 2021, बताइए जल्दी से। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए इसका जो आंसर है वो है 150 यहां पर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं। मार्च 2021 तक ऐसे कोर्सेज को स्टार्ट कर देंगे। और बेसिकली इंजीनियर्स की बात की यहां पर, इंजीनियर्स बहुत बेरोजगार घूमते हैं यहां पर आजकल, तो इंजीनियर्स को लेकर यहां पर क्या बात होती है, वन ईयर का इंटर्नशिप मिलेगा उनको अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, ये मैंडेटरी कर दिया सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम एशिया एंड अफ्रीका के देशों को यहां पर इनकरेज करने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर कौन सा एग्जाम यहां पर कंडक्ट किया जाएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एशिया एंड अफ्रीका अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। देखिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ये पिछले बजट में अनाउंस हुआ था, सरकार कहती है कि इंडिया से लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि बाहर से लोग इंडिया में पढ़ने आए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्टडी इन इंडिया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां पर कौन सा यहां पर वो एग्जाम है सर, आज होल बजट कंप्लीट होगा या फिर देयर विल बी अनदर सेशन। परफेक्टली जी, हमारे पास तीन थीम थे बजट के, आज हम सिर्फ एक थीम की बात करेंगे, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया की बात करेंगे। तो यहां पर आंसर आने शुरू है हमारे पास, इंट सेट स्कॉलरशिप टेस्ट, जी हाँ इंड सेट, यहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही है, इंड सेट स्टार्ट किया जाएगा एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जो भी कैंडिडेट्स यहां पर इंडिया में स्टडी करने आएंगे उनको स्कॉलरशिप देगी सरकार, उनको यहां पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने आएंगे। देखिए क्यूएस रैंकिंग के अंदर, क्यूएस रैंकिंग में टॉप 200 में जो इस बार रैंकिंग आई थी, टॉप 200 में सिर्फ इंडिया के तीन ही थे, IIT बॉम्बे दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप 200 में। तो सरकार इसको इंप्रूव करने के लिए पहले क्या कहती है कि हमें यहां पर पैसा खर्च करना है किस पे, जो इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे बढ़ाना है, तो तभी यहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे। तो देखिए एस्पिरेशनल इंडिया पढ़ा आज हमने, एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर जो टोटल एलोकेशन है सारा मिलाकर जो हमने पढ़ा वो है 4,82,401 करोड़, और उसमें से एग्रीकल्चर में टोटल कितना है 2,83,202 करोड़, वेलनेस वाटर सैनिटेशन में तीनों का मिलाकर कितना है 96,885 करोड़ रुपीस, एग्जैक्ट वैल्यूज है ये। एंड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मैंने हमने बात की थी 600 एंड उसके बाद हमने बात की थी किसकी 3000 करोड़ की, सब टोटल मिलाकर जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है 102,314 करोड़, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू एस्पिरेशनल इंडिया में जो टोटल एलोकेशन है ये हमने पढ़ा। तो देखिए आज हमने पूरा का पूरा एस्पिरेशनल इंडिया पढ़ लिया, बजट का एस्पिरेशनल इंडिया वाला पार्ट पूरा एग्रीकल्चर कवर हो गया, वेलनेस वाटर सैनिटेशन एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट इसमें कवर अप हो चुका है। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो इसमें से पूछिए, आज जो भी पढ़ा इसमें से जो भी डाउट है पूछे जल्दी से, जो भी इसमें आपको डाउट है आज के सेशन में। जल्दी बताइए कोई डाउट, एनी डाउट इन द यूनियन बजट, मानसी सिंह पूछ रही है ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, मानसी सिंह टोटल एस्पिरेशनल इंडिया का वैल्यू ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। हाँ काफी सारी क्वेरीज आ रही थी हमको जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक कोर्स 10th of February से शुरू हो चुका है, अभी दो तीन क्लासेस हुई हैं, यू कैन ज्वाइन नाउ, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप प्रीवियस
को भी वहां पर देख पाओगे, अभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इज अ कोस्ट 999 उसका कोस्ट है, 999 का वो कोर्स है। अगर आपको कोई भी उसमें क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, आप उसको परचेज कर सकते हो जल्दी से जल्दी। उसके अंदर आज केतन सर ने दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर किए हैं और फर्दर उसके ऊपर आगे भी फोकस किया जाएगा। सारा करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे उसके अंदर, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से पहले पहले तक हम कवर अप करवा देंगे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, कोई डाउट नहीं है लगता है आप लोगों का। तो सर इतना लेट कोर्स क्यों लेते हैं? मैम लेट नहीं है, 3:30 स्टार्ट हो जाता है। यामिनी जी बोल रहे हैं पीडीएफ, जी हाँ यामिनी जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। इसके डिस्क्रिप्शन में पोर्टल में जाना पड़ेगा आपको, पोर्टल में नीचे आपको इस वीडियो के साथ, इस लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।